बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुनाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कबल। तो गाइस आज की वीडियो है शिरकस्तान चैनल से और वीडियो का टॉपिक है शाहरुख खान सैड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो मैं क्या करूँ। बाय मुफ्ती तारिक मसूद बयान। ओके, ऐसा मुझे लगता नहीं कहा होगा, सीधा डायरेक्ट ऐसा तो नहीं कहा होगा। मुझे भी लगता है ऐसा नहीं कहा होगा डायरेक्ट। ये तो नहीं होगा, ये तो थंबनेल थोड़ा ऐसा इन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया, टाइटल भी अट्रैक्टिव कर दिया कि टाइटल अट्रैक्टिव बना दिया। तो देखते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो है तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा भी मैं बहुत खराब लगता हूँ दाढ़ी के साथ। मैंने कभी लाइफ में दाढ़ी उगाई नहीं थी, बट हाँ यहाँ थोड़ी चुभती है और खुजली बुजली होती है मुझको। एंड देन मेरे जो बच्चे हैं वो किस नहीं करते जब मैं दाढ़ी उगाता। अगला सवाल आपसे ये है कि मैंने बाज़ उलमा से सुना है कि दाढ़ी काटने वाले के नेक आमाल कबूल नहीं होते और बाज़ कहते हैं कि नेक आमाल का सवाब आधा मिलता है, इस बारे में वजाहत फरमा दें। नीज सिर्फ दाढ़ी काटते गुनाह मिलता है या बंदा 24 घंटे गुनाह में मुबतला रहता है? दाढ़ी काटना या एक मुट्ठी से कम करना ये गुनाह कबीरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद व नसारा अफुल लिहा व खुस्सु शवारिब, दाढ़ियां बढ़ाओ मुझे घटाओ और यहूद व नसारा की मुशाबहत करो। और ये भी फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये सारे अलामात फिर इजमाए उम्मत है इस पर। आज से 150-200 साल पहले आप अगर पूरी रूए ज़मीन पर तलाश करेंगे तो शायद कोई मुसलमान आपको बगैर दाढ़ी का नज़र नहीं आएगा। ये बिदत बाद में शुरू हुई है। तो लोग कहते हैं कल्चर था उस ज़माने का, कल्चर नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा हुक्म है और सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है जिसमें आपने इसको फितरत और नेचर करार दिया है। तो ज़ाहिर है इससे पता चलता है कि जो चीज़ नेचर, जिसको आपने नेचर करार दिया, फितरत करार दिया इंसान की और मर्द की, कुरान में आता है कि शैतान ने ये वादा किया अल्लाह ताला से, फला युगैरुन्न खल्कल्ला, कि अल्लाह मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा और ये मखलूक नेचर को तब्दील करेगी। इन तमाम आयात और अहदीस को अगर मिलाया जाए तो साफ पता चलता है कि ये नेचर के ख़िलाफ़ है। और नेचर के ख़िलाफ़ अगर आप चलते हैं तो वो सगीरा गुना में नहीं आती वो चीज़, या उसको कल्चर नहीं कहा जा सकता कि उस ज़माने का कल्चर था। तो रहा ये मसला कि दाढ़ी काटने वाले का कोई भी अमल कबूल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप कोई भी नेकी करेंगे तो बेबरकती ज़रूर होती है, लेकिन नेकियाँ करनी चाहिए, चाहे दाढ़ी हो या ना हो, उस नेकी का इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा और मुमकिन है उसी नेकी की बरकत से अल्लाह आपको बाकी नेकियों की भी तौफीक दें। और ये मसला कि दाढ़ी काटते हुए गुनाह मिलता है, तो काटते हुए तो मिलता ही है, लेकिन दाढ़ी काटना एक ऐसा जुर्म है कि जो 24 घंटे आपके साथ रहता है। यानी जब आप, यानी दाढ़ी तो कटी भी रहेगी ना हर वक्त, तो इसलिए उलमा कहते हैं इस लिहाज से भी इसकी संगीनी बढ़ जाती है कि हर वक्त आपके साथ। नमाज पढ़ रहे हैं तो भी आप गुनाहगार हैं, हज कर रहे हैं तो, अल्लाह के घर की ज्यारत के लिए जा रहे हैं तो भी गुनाहगार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अथर की ज्यारत के लिए जा रहे हैं, उधर नबी के सामने खड़े हुए हैं तो भी यानी एक गुनाहगार हैं। तो इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बाकी किसी को मायूस करना मकसद नहीं है इस तकरीर से। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, हिम्मत करके आहिस्ता आहिस्ता आएँ अल्लाह की तरफ और तौबा करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ़ करने वाले हैं। दाढ़ी ये जो हड्डी है ना यहाँ की, हाँ यहाँ से शुरू होती है। जी जी, फिर ऊपर की भी ना काटें, काट सकते हैं मगर काटना अच्छा नहीं है। हमें कहीं भी नहीं मिलता सहाबा कराम या असलाफ दाढ़ी का ख़त बनाया करते थे। मसला ये है कि दाढ़ी का ख़त बनाने से दाढ़ी की जो नेचुरल खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। आदमी अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप को समझ रहा होता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन वो लग रहा नहीं होता। हर एक को उसके चेहरे के हिसाब से अल्लाह ने दाढ़ी दी है, वो उस पर सूट करती है। उसको छोड़ दें अपने हाल पर। आपने जैसे ख़त बनाया हुआ ना मौली साहब, छोड़ दें इसको, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे आप। खुद तजर्बा करके देखें, थोड़े दिनों बाद जब आप अपने आप को शीशे में देखेंगे तो आप, क्योंकि या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, भाई दाढ़ी जो काटने वाले लोग हैं वो कहते हैं यार हम पूरे, हमारा पूरा फेस नज़र आए। रखने वाला वो कहता है जब दाढ़ी है तो फिर बबर शेर जैसी दाढ़ी हो ना। अब खत बना के क्या है, एक थोड़ी सी ठरक होती है दाढ़ी मुंडाने की कि यार मजबूरन रख तो लिए, मगर वो ठरक बाकी रहती है कि यार चेहरा नजर आना चाहिए। तो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, इसलिए छोड़ दो तसल्ली से उसको, नहीं काटो। अल्लाह ताला ने हर एक की दाढ़ी में एक खत बनाया है जो उसके चेहरे के हिसाब से रखा है, उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है खुद से खत बनाने से, समझ रहे हैं? तो अपने हाल पे दाढ़ी को
छोड़ दें। आजकल उलमा को भी देखा है, सबको इतना खत बना रहे हैं पूरा नीचे तक ला ला के, क्या कर रहे हो, कटोरे जैसा नहीं होता, जैसे मुंह पे प्लेट रख के, जैसे सर पे प्याला रख के लोग बाल काटते हैं ना, ऐसे ही दाढ़ी का भी ऐसा हो गया कि मुंह पे प्लेट रखी, जो गोल दायरे में जो आ रहा है वो मुंह है उसके, और उस यानी उसके अलावा क्या है, दाढ़ी है, तो अजीब गोल गोल से मुंह नजर आ रहे होते हैं। तो छोड़ दे दाढ़ी को अपने हाल पे, जैसी अल्लाह ने दी है उसको। इंसान का दाढ़ी से भरा हुआ चेहरा मर्द का, बोलो भाई, अच्छा लगता है। दाढ़ी है तो फिर मर्दों जैसी दाढ़ी होनी चाहिए, हमारी तो कुदरती है ही छोटी ना, मजबूर है। जी 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 जी, जी। तो दाढ़ी रखें तो कैसी, मर्दों जैसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी घनी, घनी दाढ़ी थी, और आप उसमें खत बोलो ना नहीं बनाते थे। छोड़ दें अपने हाल पे, आप भी इन्हें भी देखें, वो जो भाई बैठे हुए हैं, छोड़ दें, छोड़ दें, ठीक है ना। खत्म हो गई। अच्छा, हाँ जी। तो पहले तो वो कि शाहरुख खान ने ऐसा तो नहीं कहा खुलेआम, ऐसे सरेआम तो कोई नहीं कहता कि अगर नबी का वो हुक्म है तो मैं क्या करूँ, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना कंडीशन बताई है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके फेस पे दाढ़ी उनको सही नहीं लगती, तो वो उनके बच्चे उनको प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ है। देखो इसमें ना हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस है, हम किसी के ऊपर से डाल नहीं सकते। अब उस शाहरुख खान का और अल्लाह का अपना मैटर है, तो कोई तीसरा बंदा उसे नहीं बोल सकता। वो कहेगा भाई तू कौन, मेरा मेरे अल्लाह से लेना देना है, तो तीसरा बंदा नहीं बोल सकता कि तूने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, ये नहीं रखी। उसको नहीं सही लग रहा और उसको इन द एंड लास्ट में अल्लाह को ही जवाब देना है, तो अल्लाह को वो जवाब देगा। अल्लाह को लगेगा कि उसने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। हाँ, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या नहीं चाहते हैं, किसका हुक्म वो मान रहे हैं, किसी का हुक्म नहीं मान रहे हैं, वो क्या मान रहे हैं क्या नहीं, वो उसके लिए हम तो कुछ फोर्सेबल है ही नहीं कि हम बोलें ये वो। बस उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उन्होंने उस टाइप का ही आंसर कर दिया कि उनको कमेंट्स आते हैं कि उनके ऊपर दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने क्योंकि उनकी फील्ड ही ऐसी है, लोगों को क्या पसंद है वो ही करते हैं, तो उनको दाढ़ी के लिए लोगों ने कहा कि आप पर अच्छी नहीं लगती है, तो उन्होंने नहीं रखी। और दूसरा उन्होंने और भी रीजंस बता दिए कि उनके बच्चे उनको किसेस नहीं करते हैं और बोल रहे हैं कि उनको इचिंग होती है, खारिश होती है, तो ये चीज़ें उन्होंने बताई, बट इतना नहीं कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब नहीं कहा। इवन हाँ। मेरे को तो मेरी दाढ़ी बड़ी सही लगती है, मैं तो चाहता हूँ बड़ी हो जाए बड़ी हो जाए, बट एक लिमिट तक बड़ी होती है तो मेरे को फिर लगता है यार नहीं, अब छोटी कर देनी चाहिए, हर बार छोटी कर देता हूँ मैं, बट बीच में अच्छी खासी बड़ी। जैसे मुफ्ती साहब बोल रहे हैं ना कि खत नहीं बनवानी चाहिए, तो वो ना एक टाइम पे आके ऐसे लग जाएगा कि फिर, क्योंकि जब खत नहीं बनवाओगे सेटिंग नहीं रहेगी ना, तो एक टाइम पे आके ऐसे लगेगा कि जैसे बंदा नहाया नहीं है इतने दिनों से, या ये बहुत टाइम से इसने कुछ किया नहीं है, या फिर आजकल तो बोलते हैं कि इसको कोई गम है। हमने पता नहीं किसकी वीडियो करी थी, उन्होंने बताया था कि एक लिमिट से ऊपर के अगर बाल होना तो वो आप हाँ वो हटा सकते हो, कि एक ये लाइन आती है यहाँ से, इसके ऊपर के बाल आप हटा सकते हो। तो इस केस में उसने कहा कि छोड़ दो छोड़ दो। देखो मैं ही कहूँगा कि पर्सनल कॉल है, अगर कोई जो छोड़ के किसी को सुकून मिलता है तो छोड़ दे, अगर इससे ऊपर के बाल कोई हटाना चाहता है तो फिर भाई उसकी पर्सनल कॉल है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। तो ये थी आज दाढ़ी की, और मेरा खुद दिल करता है दाढ़ी बढ़ाने का, बट बढ़ती नहीं है इचिंग, इससे बोर बड़ी होकर फिर इतनी बड़ी होकर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, फिर थोड़ा देखना पड़ता है कि नहीं यार छोटी कर लो छोटी कर लो। एक तो थोड़ा मौसम भी वैसा है ना, दो तीन महीने तो ठंड रहती है, ठंड में सही रहता है, गर्मियों में फिर हालत ख़राब हो जाती है। गर्मियों में तो इचिंग होती है, मई जून में या मोस्टली 8 महीने तो गर्मी रहती है इधर, तो फिर उस टाइम फिर कहता है यार दाढ़ी बड़ी हो गई यार छोटी कर लो, तो उस हिसाब से बढ़ नहीं पाती दाढ़ी। तो चलते हैं गाइज, ये वीडियो थी आपकी शिर्कस्तान चैनल से, तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।